आज ये जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो उस चीज का एक्टिविटी है कि कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा पदार्थ क्षार है और कौन सा पदार्थ लवण है। ठीक है, तो हम लोग आवश्यक सामग्री के रूप में क्या लिए हैं, ये है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, आगे समझ में, और ये क्या है, ठीक, ये क्या है, कौन सा रंग का, ये कौन सा है, ये क्या है, मैं क्या हूँ, ठीक है। तो अब मैं ड्रॉपर की सहायता से, ठीक है, ये पदार्थ को लूंगा और दोनों लिटमस पेपर में बूंद बूंद डालूंगा। ठीक, तो कैसे पहचानेंगे कि जो लाल लिटमस पेपर होगा उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, नीला में भी परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो अम्ल अगर होगा तो नीला को क्या कर देगा, और क्षार क्या कर देगा, लाल को नीला, उदासीन में कोई परिवर्तन नहीं। ठीक, तो सबसे पहले चलो अम्ल दे देते हैं। ठीक, ये है नींबू का पानी, कौन सा, ये नींबू का रस है। ठीक, वो क्योंकि ये अम्ल है, अब देखते हैं कि ये सूचना देता है कि नहीं अम्ल है करके। ठीक, तो अम्ल क्या करता है, ये देखो नीला लिटमस पेपर है, इसमें डालते हैं, ये देखो, अब देखो कलर परिवर्तन अवलोकन करो, देखो दिखाओ, ऐसे दिखाओ, ऐसे करके दिखाओ, मेरे को दिखाओ, ये देखो दिख रहा है, कलर देखो कैसा हो गया, यानी इसमें अभी मैं क्या डाला, नींबू का, ये नीला लिटमस क्या हो गया, लाल हो गया, यानी ये क्या है, अब नींबू का रस क्या है, अब इसी नींबू का रस को मैं इसमें डाल के देखता हूँ, ये लाल लिटमस पेपर है, इसमें कोई परिवर्तन हुआ क्या, देखते हैं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये लाल लिटमस पेपर में नींबू का रस डाले, हाँ। तो इसका कलर में कोई परिवर्तन हुआ, यानी ये जो है क्या बोलते हैं, लाल लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन है, तो अम्ल जो होता है नीला को क्या करता है, लाल कर देता है, लाल को नीला नहीं करता, याद रखना अम्ल, याद रखना। ठीक है, तो चलो ये हो गया पहला, अब दूसरा पदार्थ लेते हैं अपन, इसको कौन पकड़ा, चलो दूसरा क्या है अपने पास, ये ले, क्या था खाने का, खाने का, चलो अब ये अम्ल है कि क्षार है अभी पता कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लाल लिटमस पेपर में इसको भी डाल के देखते हैं। ठीक है, ये नीला लिटमस पे, ये खाने का सोडा है, ये देखो कोई परिवर्तन, इसका परिवर्तन हुआ रंग, नहीं, नीला का नीला ही है, इसमें कोई रंग परिवर्तन नहीं हुआ, नहीं, यानी ये अम्ल है क्या, नहीं, नहीं है, क्योंकि अगर अम्ल होता तो नीला को क्या कर देता, लाल कर देता। तो अब इसको अपन देखते हैं लाल वाले में डालते हैं, इसमें कोई परिवर्तन होता है क्या, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वही का वही है, खाने का सोडा जो है क्या है, अम्ल क्षार उदासीन क्या है, चलो इसमें भी कोई रंग बदलाव नहीं हुआ, ठीक, ये उदासीन हो गया, समझ में आ गया, चलो इसके बाद अपन अपने पास और क्या, ये शक्कर का घोल लिए वापस से, अब इसको अपन नीला लिटमस पेपर का, नीला नीला एक तो निकालना, ये नीला लिटमस पेपर है, कोई परिवर्तन हुआ, कलर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लाल लिटमस में डालकर देखते हैं कोई परिवर्तन हुआ, अवलोकन करो, देखो ध्यान से दिखाओ सबको, कोई परिवर्तन हो रहा है कलर में, यानी शक्कर का पानी अम्ल है कि क्षार है कि उदासीन है, उदासीन में कोई रंग परिवर्तन नहीं होता। चलो अब इसको अपन फिर से फेंकते हैं, अब अपने पास क्या है, नमक वाला हो चुका था क्या, अब इमली का रस ले लेते, ठीक है, ये देखो इमली पानी ले ले रहा हूँ, ये इमली पानी है, और ये मैं नीला लिटमस पेपर में इमली पानी के कुछ बूंदे डालता हूँ, देखो अवलोकन करो क्या हुआ, दिखाओ सबको, लाल हो गया, अब लाल लिटमस में डाल के देख रहा हूँ, देखो इमली का पानी, हाँ इमली का पानी, ठीक है, तो नीला वाले को लाल किया ना, यानी ये अम्ल है,
इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ। ठीक चलो ये हो गया तुम्हारा, ये है अम्ल। नींबू का पानी क्या हुआ? नींबू का पानी, इमली का पानी, इमली का पानी। अब कौन सा बच गया? नमक का पानी। ये है नमक पानी। चलो अब इसको नीला लिटमस पेपर में डाल तो देखते हैं ये अम्ल है कि क्षार है कि लवण। अब तुम लोग देख के बताओगे। मैं अभी देखो, ये है नमक पानी, ये नीला लिटमस। अब देखो क्या हुआ, अवलोकन करो, बताओ क्या हुआ। रंग चलो ठीक, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अभी तो इसमें डाल के देखेंगे ना, तब बताओगे उदासीन है कि अभी तो बच्चा है। तो ये है लाल लिटमस, इसमें कोई परिवर्तन हुआ? नहीं। ये देख लो, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये जो लाल उदासीन, यानी नमक का घोल जो है, नमक पानी का घोल कैसा पदार्थ है? उदासीन है ना, क्षार है। ठीक, कैसा है? उदासीन। ठीक है, तो नींबू का रस का हो गया। कपड़ा धोने का वाला को चेक कर लेते हैं, कहाँ है? नहीं, कपड़ा धोने का, ये कपड़ा धोने का सोडा है। ठीक, धनिया निकाल लो, एक और निकाल लो। ये है सोडा कपड़ा धोने का। हाँ। ये है हमारे पास नीला लिटमस पेपर। अब इसमें अपन कुछ बूंदे डाल के देखते हैं। हाँ। पर अब अवलोकन करो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। कोई परिवर्तन हुआ? नहीं। या नहीं, अम्ल नहीं, ये तो समझ में आ गया। अब इधर डाल के देखते हैं लाल लिटमस पेपर में, इसके कलर में कुछ परिवर्तन हो रहा है? ये देखो, ये नीला हो रहा है ना। ये कपड़ा धोने का सोडा जब डाले तो ये क्या हो गया, लाल लिटमस पेपर नीला। ये कौन सा पदार्थ हुआ? क्षार। क्योंकि क्षार जो होता है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। आगे समझ में? हाँ। मेरे ख्याल से सभी पदार्थों को हम लोग परीक्षण कर चुके हैं। हाँ। चलो तो इससे सीखे क्या बात है, ये क्रियाकलाप करके इस एक्टिविटी करने के बाद क्या सीखे। तो हमने जो पदार्थ लिए थे ठीक, उसको नीले लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर पर परीक्षण किए। ठीक, जो अम्ल पदार्थ था वो नीला लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देता है, और जो क्षारीय पदार्थ था वो लाल लिटमस पेपर को किस में बदल देता है, और जो उदासीन पदार्थ होता है वो रंग में परिवर्तन नहीं होता। आगे समझ में? हाँ। इस प्रकार इस क्रियाकलाप करके तुम किसी भी पदार्थ को अम्ली है कि क्षारी है कि उदासीन है ये पहचान सकते हैं। समझ में आया? हाँ। ठीक है।